अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोक जी के साथ चर्चा करेंगे। दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दर्शकों ने ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिक्रिया बॉक्स में, जिनका उत्तर आज देंगे श्री संत बेतरा अशोक जी। श्री संत बेतरा अशोक जी, दर्शकों के इस प्रश्नों के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा आपसे प्रश्न ये है कि क्या 2019 तक का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या उस समय तक देश में आतंकवाद की समस्या क्या आपको बढ़ती नज़र आ रही है, और क्या आपको लगता है कि इस आतंकवाद का जो असर होगा वो बहुत नकारात्मक पड़ेगा? देखिए, मैं ये भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि सितंबर तक ग्रह दशा बहुत विपरीत है, और जिसमें प्राकृतिक आपदाएं और आंतरिक स्थिति को भी जो है विघटनकारी ताकतें किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, जिससे मोदी जी ने जो अपनी छवि बनाई है देश विदेश में, इतना देश का नाम किया और जो इतनी बड़ी छवि बनाई है, तो उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए, उसको करने के लिए कई तरीके की विघटनकारी ताकतें जो है सितंबर तक अपना पूरा जोर लगाएंगी। इसके लिए मैं पहले ही एक भविष्यवाणी कर चुका हूँ, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि देश की आवाम को आंख कान खुले रखने, कहीं उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो प्रशासन को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें, और अपने लेवल पे जितना वो कर सकते हैं वो करें। श्री सत्येंद्र जी, जब हम बीजेपी के समर्थन में या मोदी जी के समर्थन में जब भी कोई चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे दर्शक हम पे ये आरोप लगाते हैं कि हम मोदी जी और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दर्शक ने भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में लेके भेजा है कि आप जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने मेरे को अगर ध्यान से सुना है तो आप ये अगर मेरी बातों को एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, मैं सिर्फ देश हित और राष्ट्रहित की बात करता हूँ। मेरे लिए कोई रूलिंग और अपोजिशन पार्टी नहीं है, मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। मैंने कभी ऐसा वर्ड यूज़ करके किसी के ऊपर आक्षेप नहीं किया है, मैंने पार्टी का भी नाम लेके कभी ऐसा नहीं किया। अगर किया है तो वो अगर बिल्कुल ही देश हित और राष्ट्रहित के विरुद्ध अगर कोई जा रहा है तो उसका नाम लेके मैंने संचेत करने के लिए आवाम को, देश को, कि ये ऐसा हो सकता है उससे बच के रहें। तो मेरा जो प्रयास है, मैं किसी व्यक्ति विशेश के लिए कुछ नहीं, देश हित और राष्ट्रहित के लिए जो उपयोगी है और मेरी गणना के हिसाब से जो ठीक है, मैं उसको आपको प्रेडिक्ट करता हूँ।